ये सब फूल रहता है उसमें से ऐसा हो जाता है, फिर इसको झिंडवा बोलते गुजराती में, फिर इस तरह से कॉटन आता है, कपास देख रहे हो, ऐसा ऐसा फूल, फिर ऐसा झिंडवा, फिर गुजराती भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है चलो। दोस्तों सुबह के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, देखो अच्छी तरह से हमारा मोबाइल का कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, सुबह बादलों से घेरा हुआ सूरज है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, देख रहे हो दोस्तों अभी फिलहाल खेत में आए हैं, वो भी हमारे खेत नहीं है, हमारे जीजा जी जहाँ पे खेत में काम करते हैं, देख लो रचका है और मूली भी है उसमें बैठे, बड़े पत्ता वाला मूली है और ये गाजर है, देख रहे हो, फिर रुई भी, रुई का खेत, कपास जिसको गुजराती में बोलते, और जार, अब जार को हिंदी में क्या बोलते होगे मालूम नहीं है मेरे को भी, ठीक है ये सब गुजराती भाषा है, हिंदी में तो नहीं बता पा रहा हूँ आपको। इस तरह के कुछ नज़ारे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टन मतलब ऐसे कीचड़ वाले रास्ते में आए हैं, देख लो हमारा पाँव, और ये हमने इतना तुअर निकाला है सब मिलकर इकट्ठा करके, जो तुअर की डाल आती है ना वही देखो, वही छोटा है लेकिन सामने ज़्यादा है, और फिर सामने से भी हमने लिया है, ठीक हो चलो आगे चलते हैं और दिखाते हैं कुछ आपको। देख रहे हो दोस्तों ये तुअर है, तुअर की दाल आती है, और एक कॉटर कपास जिसको बोलते हैं, देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा है, इससे छोटे भी रहते हैं, ये सब वही खेत है, देख रहे हो, और जीरो ये हरे खेत है और थोड़ा सा सूख गया है, और वहीं से रुई थोड़ा निकाल भी लिया है, और हमारे जीजा जी चुपचाप रहेंगे नहीं और हमें गुजराती में बोलते ही रहेंगे, ठीक है हमारे साले साहब भी साथ में हैं, ज़बरदस्त नज़ारे हैं बहुत ज़बरदस्त, और जब आ रहे थे रास्ते में पानी था तो उस हिसाब से ज़बरदस्त में जा रहे हैं, और अब खेत ख़त्म होने वाला है और हम जाएंगे फिर हमारी जीजा जी की राइड देखेंगे किस तरह से वो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है और कभी इस तरह से चले नहीं इसलिए टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ता है, ज़बरदस्त नज़ारा है। अभी धूप अभी कम से कम 2 बजने वाले हैं या 2 के ऊपर हो चुका होगा, लेकिन बादल है उस हिसाब से अच्छा है, मज़ा आ रहा है दोस्तों, देख रहे हो टिपक पद्धति का फिल्टर वाला पानी, फिल्टर होके पानी जाता है, लाइन है इधर से, और हमारे साले साहब खड़े होके बाउंड्री के बाहर,
रहे हैं वहीं से शाम को सूरत। और ट्रैवलिंग करने से थोड़ा थकान महसूस होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कभी कभी। चेक क्या होटल है, दिखाई तो नहीं दे रहा है आपको, और पीछे बहुत सारी बसें हैं और आगे भी बस जा रही है। अगर वीडियो बनाने में ध्यान लगा रहेगा तो दुर्घटना भी हो सकती है, समझ रहे हो। चलो बस यहीं से सूरत वापस रिटर्न। गांव से वापस आ चुके हैं सूरत, और शादी में गए थे आप सभी को तो नहीं मालूम है क्योंकि मैं इतना फेमस नहीं हो चुका हूँ। बहुत कम लोगों को मालूम है जो वीडियो देखे हैं उन लोग। ठीक है, जो था वो दिखाया आपको और एंजॉय किया, और थकान भी लगती है उसी के साथ, और हमारे जैसे खेत भी दिखाए जो कॉटन वाले थे वो, और बाइक भी बहुत फास्ट चला लेते हैं और रफ रास्ते में, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत वहीं पे डर भी लगा था। ठीक है, और ये वीडियो यहीं तक था और यहीं एंड करते हैं। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।